हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ओ न्यू वीडियो ऑफ यस बैंक तो फ्रेंड्स यस बैंक में हमें कंटिन्यूअसली जो है पिछले वन मंथ में जो है गिरावट देखने को मिली है जहां पे 13.55 इसने हाई बनाया था और 12.40 इसका लो था और आज के सेशन में जो है 12.15 ये इसने लो बनाया है जो कि 2.41 परसेंट डाउन है आज के सेशन में तो फ्रेंड्स येस बैंक को लेकर हम बोली से लेकिन उसको टाइम देना पड़ेगा और वो लॉन्ग टर्म चलेगा फ्रेंड्स जैसे कि बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला है कि शॉर्ट टर्म गेन यस बैंक में पॉसिबल है अगर आप इसको ख़रीदते हो एनीथिंग इन बिटवीन 11 टू 12 और 13 14 रुपीज़ पे आप अगर बेच के निकल जाते हो तो शॉर्ट टर्म में आपको ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा बहुत बार लेकिन कोई अगर इसको लॉन्ग रन पकड़ के चल रहा है तो डेफिनेटली ये मल्टी है इसको एक बार इन्वेस्ट करने के बाद आई थिंक लंबे समय के लिए ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि उठने समय में जो है यस बैंक अच्छे से ग्रो कर सके क्योंकि रिसेंटली भी हमने देखा है कि बैक टू बैक क्वार्टर रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे निकल के आए है यस बैंक के और उसी के बेसिस पे जो है फ्रेंड्स यस बैंक मल्टीबैगर बन सकता है अगर इसी तरीके के क्वार्टर के परफॉर्मेंसेस वो देता है तो उसी बीच बहुत सारे अपडेट्स भी आए लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे सामने आए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ मेरे इस वीडियो में जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है और उससे आपको आइडिया भी आ जाएगा कि येस यस बैंक जो है फ्यूचर में जाके मल्टीबैकर बन सकता है उतने प्लान्स उनके चल रहे हैं और उतनी कैपेबिलिटीज भी जो है वो यस बैंक में है तो फ्रेंड्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यस yes बैंक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऑन टाइम जो है सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स जो यस yes बैंक से रिलेटेड अपडेट था वो यहाँ पे आप देख सकते हो यस बैंक टाइज़ विथ अमेज़ॉन पे एंड ए डब्ल्यू एस टू ऑफर यू पी आई पेमेंट सर्विस तो अमेज़ॉन जैसे हमें पता है रिटेल इंडस्ट्री में ऑनलाइन सर्विसेज में लीड कर रहा है इंडियन मार्केट को और ना कि बस इंडियन मार्केट लेकिन इंटरनेशनल मार्केट को भी जो है अमेजॉन uh, लीड कर रहा है जो ऑनलाइन सर्विसेज़ है स्पेशली ई कॉमर्स में तो यहाँ पे आप देख सकते हो द इंटीग्रेशन एनेबल अमेजोन पे टू इश्यू यू पी आई वाई डीज हैंडल अलाउिंग कस्टमर्स टू मेक सिक्योर फास्ट एंड कन्वीनियंट पेमेंट तो येस बैंक अनाउंसेस अनाउंसेस इट्स कोलाब्रेशन विद अमेजोन एंड अमेजॉन वेब सर्विसेस टू ऑफर कस्टमर एंड इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम वाया यू पी आई ट्रांजेक्शन फैसिलिटी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड येस बैंक के लिए और डेफिनेटली जो है इससे येस बैंक को जो है उनके जो फंड्स है उनको यूटिलाइज करने में डेफ़िनेटली है उनके कस्टमर्स को बेनिफिट होगा और अगर किसी को ऑनलाइन पेमेंट करनी रहेगी तो डेफिनेटली जो है इससे बहुत फ़ायदा होगा येस बैंक के कस्टमर्स को भी और यस बैंक को भी अल्टीमेटली और उसी वजह से आप यहाँ पे दे सकते हो कि क्या अपडेट बोला जा रहा है द कोलेबरेशन विद एमेज पे एंड ए डब्ल्यू एस मार्क्स अनदर माइल स्टोन फॉर यस बैंक तो यस yes बैंक ऐसे ही तरीके से बहुत से माइल स्टोन अभी बैक टू बैक बैक टू बैक जो है अचीव कर रहा है और उसकी वजह से जो है बहुत ही ज्यादा जो है बेनिफिट मिलेगा यस बैंक को इससे अमंग द मार्केट लीडर्स इन यूपीआई पेमेंट्स इन फाइनेंशियल एटी ट्वेंटी रिकॉर्डेड अ मार्केट शेयर अराउंड फोर्टी परसेंट बाई वॉल्यूम इन दूपीआई इको सिस्टम अराउंड थर्टी परसेंट बाई वॉल्यूम इन द यू पी आई मर्चेंट को लाइक एक्वायरिंग बिजनेस तो देख सकते हो फ्रेंड्स किस तरीके से जो है ग्रो कर रहे हैं येस बैंक यू पी आई सेगमेंट में भी तो बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी येस बैंक के साथ हो रही है तो so, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है जो कि शेयर मार्केट का डेफिनेटली अब बेसिक की है यहाँ पर पेशेंस बहुत ज़रूरी है बस यहाँ पर आपको आपके एनालिसिस के हिसाब से एक छो कम से कम प्राइस रेंज में जो है पोजिशन बनाना है और फिर उसको लॉन्ग टर्म के लिए जो है वेट करना है तब जाके जो है अच्छे खासे रिटर्न जो है येस बैंक में मिलेंगे डेफिनेटली तो यही सारी डिटेल्स थी फ्रेंड्स यस बैंक के बारे में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल